तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बता देते हैं कि आज क्या हुआ उस क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ पॉइंट पर आश्वासन दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज जो ज्ञापन दिया गया है, जो एक संयुक्त मोर्चा और हड़ताल की जा रही थी रिजल्ट के विषय में, तो अभी देख लेते हैं क्या क्या आश्वासन दिए गए हैं चेयरमैन जो हैं MPPSC उनके द्वारा। तो आश्वासन आप देख सकते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो है प्रक्रिया उसके अनुरूप की जाएगी और उसके अनुरूप कार्य प्रारंभ किया जाएगा। वहीं कुछ दिनों में बारी बारी से जो है रिजल्ट भी जारी कर दिए जाएंगे। तो एक माह में समस्त रुके हुए रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे, इस प्रकार का आश्वासन दिया। वहीं जो 2019 की परीक्षा में जो रिजल्ट रिवाइज होना है, तो उसके विषय में क्या है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब उसको प्रियोरिटी, और 3 माह के पर में ही पूरे रिजल्ट क्लियर कर दिए जाएंगे। 2021 की जो SES परीक्षा हुई है, उसके भी रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे प्री के। वहीं 2020 के जो परीक्षा परिणाम हैं मुख्य परीक्षा के, वो जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तो ये हो गए। वहीं चौथा है कि जो 3 वर्ष की अभी छूट का प्रावधान दिया गया, तो उसको दिया जाएगा। तो ये राजेश लाल मेहरा जी के हस्ताक्षर नहीं हैं, ये OSDG के हस्ताक्षर हैं जो उनके रेफरेंस में उन्होंने दिए हैं। ठीक है, तो ये मुख्य पॉइंट थे। वहीं बात चल रही है अभी न्यूज़पेपर में, ये माहौल बनाया जा रहा है 14% का। तो जानकारी यही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, 27 की या 14 जो भी है, तो 27% की जगह आप क्या कर देंगे, इनको 14 दे देंगे। तो 14 के आरक्षण पर रिजल्ट होगा। इसके अलावा क्या करेंगे, ये जो 13% का रिजल्ट है, ठीक है, उसको होल्ड कर देंगे। अब ऐसा करना क्या होगा, एक प्रकार से गलत भी हो सकता है, क्योंकि जो कैंडिडेट मेरिटाइज हो सकते थे, मतलब मेरिट से जो है कैंडिडेट ऊपर की ओर बढ़ सकते थे, तो उनके साथ कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये नुकसान हो सकता है कि जो SC ST या OBC के कैंडिडेट थे जो मेरिट होल्ड कर सकते थे, तो ये ऊपर बढ़ेंगे कैसे, वर्टिकली बढ़ेंगे कैसे। तो देखते हैं इसका क्या उन्होंने रास्ता निकाला है। ठीक है, तो ये रहेगा। वहीं भले ही OBC आरक्षण का, ठीक है, तो इससे क्या होगा, SC ST सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको राहत मिल जाएगी, इस प्रकार से इनको कहना है। तो अभी देखते हैं क्या क्या ऑब्जेक्शन इसमें भी आने वाले हैं। इनके जो 13% का रूल है, ये जो रूल है बस सिर्फ प्री के लिए ही कारगर हो सकता है, और अन्य के लिए, क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट है उसमें क्या होता है, जो वर्टिकली चीज़ें बढ़ती हैं, सीट्स जो ऑक्यूपाइड होती हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो देखते हैं और क्या होता है। तो ये खुशखबरी थी, मैंने आपको बता दिया 4 पॉइंट, ये सब लिखे हुए थे। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया, अब देखते हैं, ये आश्वासन ही है या है ना, आश्वासन तो और घोषणाएं तो जो होती रहती हैं, उसी प्रकार से ये आश्वासन है या एक माह में ही रिजल्ट आएगा, तो इसे देखा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी का शुक्रिया चैनल से जुड़े रहने के लिए, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद।